नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं सनी रसोई से नरेंद्र कौर बोल रही हूँ। आज जो मैं वीडियो डालने जा रही हूँ, प्लीज आप उसको शुरू से देखिए आखिर तक। आज मैं आपको मूली के पराठे बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने मूली ली हुई है, इसको मूली कुतरा कर लिया है और अच्छी तरह से इसमें पाया से पानी निकाल दिया है मैंने, ये देखिए, और बिल्कुल सूख गई है। और ये मैंने आटा गूंद रखा है। आटे के तो आप जिस तरीके भी आप आटा जितना भी गूंदना चाहते हैं अपने इच्छा के अनुसार गूंद सकते हैं। और ये मैंने अदरक लिया है, मूली कुतरा किया हुआ है डालने के लिए, और नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। और ये मैंने अमचूर लिया है डालने के लिए, और ये मैंने मिर्च ली है, थोड़ी सी बिल्कुल पिंच ले ली है मिर्च, क्योंकि इसमें अदरक भी है और अदरक में भी थोड़ी मिर्च होती है, तो इसलिए मैंने मिर्च कम ली है। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब हम क्या है इसका जो भाव ना इसमें तैयार करेंगे, ये मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, गर्म मसाला डाल रही हूँ और लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। हमने इसमें जो है मूली में मसाला जो उसी टाइम ही डालना है, चाहे हमने मूली को कुतर कर अच्छी तरीके पानी निकाल रखा है, लेकिन जिस टाइम हमने पराठे बनाने हैं उसी टाइम ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे, नहीं तो जो हमने पानी इसका निकाला हुआ है वो दोबारा नमक जो है वो पानी छोड़ देगा। इसलिए हम जिस टाइम बनाने लगेंगे तवा रखेंगे उसी टाइम ही हम इसमें मसाला डालें और अपनी जो पराठे हैं वो तैयार कर लें। अब हम पराठे तैयार करने लगे हैं, ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं तवा रख रही हूँ, ये गैस मैंने फुल कर रखा है। अब मैं तवा रख रही हूँ और पराठा बेलूंगी। अब दो पेड़े कर लेंगे हम। बिल्कुल एक जैसे ये देखिए इस तरीके, इसको हल्का सा हम थोड़ा चुंट लगा लेंगे इसकी, थोड़ा बड़ा हो जाएंगे पेड़े। अब हम इसकी चपाती बनाएंगे इस तरीके। ये देखिए, और दूसरी चपाती भी इसी तरीके बना लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा रिफाइंड लगाएंगे ताकि जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने के लिए, बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके अंदर हम भरावन डालेंगे मूली का, इसको हम हाथ के से भी फैला सकते हैं क्योंकि हाथ से बहुत अच्छा ही तरीके से अंदर मसाला हमारा जो है वो लग जाएगा अंदर पराठे के। ये देखिए, अब हम इसको दूसरी जो हमने बनाई थी चपाती पूड़ी के साइज की उसके साथ हम इसको बंद कर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, और सूखा आटा लगा के, ये देखिए सूखा आटा लगाया मैंने इसको, और हम चपाती को हल्के हाथ से दबाएंगे, बेलेंगे इसको सॉरी, ताकि ये हमारी जो है अंदर से जो मूली का मसाला वो निकले ना। वैसे निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर पानी हो तो जरूर निकल जाता है मूली में, पानी को अच्छी तरह निचोड़ लेना हमने मूली को। ये देखिए पराठा बनके तैयार हो गया हमारा मूली का। ये देखिए, अब मैं तवे पे डाल रही हूँ। गैस मैंने मीडियम कर दिया है,
ये देखिए सिक गया हमारा पराठा। अब इसमें मैं रिफाइंड ऑयल लगाऊंगी, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। हल्के हाथ से हम दबाएंगे इसको और पलटेंगे। ये देखिए ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए अब एक पराठा मैं दूसरे तरीके का बना के सिखाऊंगी आपको। इसका मैं एक ही पेड़ा लूंगी, दो नहीं बनाएंगे हम। इसको हल्का सा बेलेंगे हम। ये देखिए इस तरीके इसमें रिफाइंड लगाएंगे और हाथ से हल्का सा इसमें हम ब्राउन रखेंगे। ये जो है हमारा मूली का मसाला, इस तरीके हमने रख दिया। अब इसको हम ऐसे ही दबा देंगे। अच्छी तरह इसको बंद कर देंगे, हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। इसको किनारों से ही शुरू करना हमने बेलना। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको डालेंगे। इस तरीके आप उस तरीके से भी बना सकते हैं पराठे को, और इस तरीके से भी, दोनों तरीके बनाना आसान है। देखिए बनके तैयार हो गया हमारा पराठा। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारे मूली के पराठे तैयार हो गए हैं दोनों तरीकों से। और ये देखिए ये इस तरीके हमारा खुल गया पराठा। ये देखिए अब इसके अंदर मैं देसी घी रख रही हूँ। आप देसी घी के साथ भी खा सकते हैं, मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, और साथ में अचार भी के साथ खा सकते हैं आप। और ये मैंने अचार रखा है, मूली का अचार रखा है और दही रखा हुआ साथ में, और ये मैंने देसी घी रखा हुआ है। आप किसी भी तरीके भी खा सकते हैं इनको, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे। और आप मेरे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव औरों के साथ शेयर करिए। और मेरी जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, जो रेसिपी मैंने बनाई है,
इसको प्लीज औरों के साथ भी शेयर करें और शुरू से लेकर आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। आगे भी जो वीडियो डालूंगी उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।